अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंडिया से उमर अमशा बोल रही हूँ। उमर अमशा, ओके। मुझे अपने ख्वाब के बारे में जानना है जो कल रात मैंने देखी थी और देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने देखी कि मेरी अम्मी का पुराना वाला घर है जो सेकंड फ्लोर पे है, तो उसकी खिड़की के बराबर एक चुड़ैल, जैसे बताया गया कि वो चुड़ैल है, वो दौड़ी चली आ रही है जल्दी जल्दी चलते हुए और आके फिर उसमें भी घर में भी घुस गई है। तो मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, खिड़की के ज़रिए घुस गई है तो मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ तो भी वो आ गई है। फिर मैं देखती हूँ कि वही चुड़ैल जो है वो खूब अच्छा गुलाबी कलर का हल्का बड़ा खूबसूरत कलर का कपड़ा पहनी हुई है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, तो वो अंदर आ गई है, वो वैसी बन गई है। तो मैंने उसको कुर्सी पे बैठने कहती हूँ, वहाँ पे दो कुर्सी है तो एक कुर्सी बैठती हुई मैं कहती हूँ उस पर बैठ जाओ, और मैं अपने बच्चों को इशारा करती हूँ कि तुम लोग अपनी बेटियों के तुम लोग बाहर चले जाओ। तो मेरी बेटियाँ सफ़ेद कलर का दुपट्टा ओढ़ी है, वो बाहर निकल गई और मेरे पड़ोसी भी झांक झांक के अंदर देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने में जो है वो जैसे वो सपेरे बीन बजाते हैं नागिन को कब्ज़े में करने के लिए, उसी तरह बीन की भी आवाज़ आने लगती है। तो वो बार बार अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करती है कि मैं नागिन बन जाऊँ, लेकिन नहीं बन पाती। और पता नहीं कैसे उसके पेट के पास एक बड़ा सा सुराख जैसा बन जाता है, उसमें थोड़ी सी दुम जैसी कोई चीज़ दिखाई देती, जैसे कोई चीज़ निकलेगी उसमें से, ऐसा दिखाई देता है। बस इसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। और अकील भाई, मेरी गुजारिश है कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ परेशानी में रहती हूँ, आप मेरे लिए बहुत दुआ कीजिए और सबसे दुआ करने के लिए कहिए। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को आसानियाँ और आपकी कमज़ोरी को ताकत और आपकी गुर्बत को माल और अपने फ़ज़ल व करम से रिज़्क की फरावानी से और आपकी बीमारियों को अल्लाह ताला शिफा से बदल दे, आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने एज़ यूजुअल इस ख़्वाब की ताबीर के लिए रोमाना को भेजा, उन्होंने क्या ख़्वाब की ताबीर बयान की है, सुनते हैं हम सब। वालेकुम अस्सलाम, ख़ैर बरकत हो, खुशियों से नवाज़े, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इत्मीनान रखिए, ख़्वाब में खैर है। साहिला ने ख्वाब में जो घर देखा वो सेकंड फ्लोर पर था, यानी इन्होंने बुलंदी का मंजर देखा है। ख्वाब में इन्होंने खिड़की का जिक्र किया और किसी मखलूक का हवाला दिया जो घर में दाखिल होने की कोशिश करती है और ये दरवाज़ा बंद कर देती है तो वो खिड़की के ज़रिए इनके घर में दाखिल हो जाती है। मखलूक ने गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ है और वो देखने में खूबसूरत है। देखिए, कुरान करीम में जिन और इंस का जिक्र है। इंसान हमको नजर आ जाता है जबकि जिन छुपी हुई मखलूक है। ख्वाब के इस मंजर से यूँ महसूस हो रहा है कि कोई बड़ी खुशखबरी, कामयाबी, खुशहाली के मामला इनको ऐसी जगह से मिलने की मुतवक्के हैं जहाँ इनकी सोचें नहीं पहुँच सकती, क्योंकि इन्होंने ख्वाब में देखा कि इन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। यानी मुमकिन है साहिला ने घरेलू हालात किसी खौफ या गैर यकीनी कैफियत की वजह से मुमकिन तौर पर हासिल होने वाली खुशियों के लिए सोचों का दरवाज़ा बंद किया हुआ हो, लेकिन इनके पास ख्वाब में मखलूक खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हुई, यानी दरवाजे से नहीं आई, जबकि आम तौर पर आने जाने का रास्ता दरवाज़ा होता है। खिड़की से आना अनयूजुअल मामला है, यानी खुशियाँ इनके घर में ऐसी गैर मुतवक्के जगह से आएंगी जहाँ इनका गुमान भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला को असबाब नहीं चाहिए होते और वो जिसको जब चाहे, जितना चाहे और जहाँ से चाहे नवाजे, उसका फजल करम और रहम है, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिला ने ख्वाब में मखलूक को कुर्सी पर बैठने का कहा और अपने बच्चों को इशारा करती है कि तुम लोग यहाँ से बाहर चली जाओ। बेटियाँ सफ़ेद रंग का दुपट्टा ओढ़कर बाहर चली जाती हैं और पड़ोसी के झाँकने का मंजर है। यहाँ कुर्सी के मंजर से मुराद इनके लिए किसी बाअसर इज्जतदार मर्तबे वाले शख्सियत की तरफ से खैर और आसानियाँ मिलने की खुशखबरी है। पड़ोसियों का झांकना ख्वाब में इस बात की अलामत जाहिर कर रहा है कि लोगों को इनके घर के बदलते हुए हालात, इनके घर के अंदर आने वाली खुशहाली के मामले में रश्क होगा और वो जस्तुजू में होंगे कि ये मामलात के हवाले से उनको भी खुशहाली का मौका मिल जाए। इनकी बेटियों को इन्होंने ख्वाब में सफ़ेद रंग के दुपट्टे में ओढ़े भी देखा, यानी इनकी बच्चियों के हवाले से यह अच्छी खबर है। इनकी बेटियां नाफे इल्म में इजाफा हासिल करेंगी और उनके रिश्तों के हवाले से आसानियां होंगी और रिश्तों की वजह से और इनकी बेटियों के नाफे इल्म की वजह से खैर, भलाई और नेकी साहिला को भी मिल देगी, यानी इनके लिए आगे मजीद बढ़ने और खुशखबरियाँ पाने की अलामतें ज़ाहिर। ओके, कॉल आ रही है लेकिन मैं उसको अटेंड नहीं करूँगा।
یہاں اس کو دوبارہ سے پلے دور تک سنائی دینے کی خوشخبری ہے انشاءاللہ. انہوں نے مخلوق کے پیٹ کے پاس سوراخ دیکھا جہاں سے دم نما چیز نکلتی ہے. انہوں نے غیر یقینی جگہ سے دم کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے. چونکہ دم پیچھے سے نکلتی ہے اور انہوں نے پیٹ کی جگہ پیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے, ممکن اشارہ ہو کہ جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو وہاں سے خوشیاں اور آسانیاں ملیں گی انشاءاللہ. دم نما چیز کا پیٹ سے نکلنا ایک اور معنی بھی ظاہر کر رہا ہے. ممکن ہے ان کی اولادوں میں جو شادی شدہ اولادیں ہیں ان کی طرف سے رزق حلال میں اضافہ اور اولادوں میں بھی اضافے کی خوشخبریاں ملیں انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ خواب ایمان کی مضبوطی پانے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنے, اپنے خیالات میں ہمیشہ اور اپنے حالات میں ہمیشہ پرسکون رہنے اور شکر گزاری کرنے کی صورت میں خیر بھلائی خوشحالی کی علامت ظاہر کر رہا ہے انشاءاللہ. سائلہ کو چاہیے کہ شکر گزاری کو تھام لیں اور اپنی پوری محنت کرنے کے بعد ہر معاملے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کریں. یہ سورۃ الانبیاء کی آیہ نمبر 37 پر غور کریں. ایمان کی مضبوطی بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور جب ان کے حالات میں بہتری آتی جائے گی انشاءاللہ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دکھی بندوں کے لیے آسانیاں کرنے اور بلا امتیاز رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا عزم کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دنوں کو جلدی لے کر آئے جس کی خوشخبری اس خواب کے حوالے سے محسوس ہو رہی ہے. سائلوں کو چاہیے سورہ یونس کی آیہ نمبر 12 یعنی 12 نمبر کی جو آیہ ہے اس کے پیغام کو ذہن نشین کر لیں اور استغفار میں اضافہ کریں. نماز کی پابندی کے ساتھ ذکر اذکار سے اپنی زبان کو معطر رکھیں. حمد و ثنا کے ساتھ شکر گزاری کے کلمات استعمال کر دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر برکت اور خوشیوں سے ان کو جلد نوازے. آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ اس خوبصورت تعبیر کا رومانہ. آپ نے لکھا ہے کہ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ تکلیف کے دنوں سے گزر رہی ہیں لیکن یہ وقت گزر جائے گا, سب بہتر ہوتا چلا جائے گا, آگے صبر شکر کا بھی پھل ملے گا انشاءاللہ, داماد بھی ملیں گے. یہ جب خوشحال آئے تو اللہ سے مزید قریب ہوں جائیں. بعض اوقات اچھے حال میں آنے کے بعد بندہ اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھنے میں کوتاہی برتتا ہے, لہذا آج سے شکر گزاری کی عادت کو اپنائیں اور حالات اچھے ہونے پر بھی اپنے آپ کو مجبور کریں. سفید پوش رشتہ داروں دوست احباب کا خصوصی خیال رکھیں اور شیطانی وسوسوں اور بہکانے والوں سے خود کو دور رکھیں. یہ زندگی کی خزاں کے موسم سے گزر رہی ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے ابھی خوشیوں کی بہاروں کی خوشخبریاں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کا شکریہ رومانہ اس بشارت پر مبنی تعبیر کا. اللہ تعالی ہمارے ویورز کے نصیبوں میں بلندیاں, خوشیاں, آرام اور آسائشیں فرما دے, بلکہ سب مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما, اور جو پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر, اور اس بہن کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے عطا فرما, اور ان کی بچیوں کے رشتے اگر رکے ہوئے ہیں تو اس میں بھی آسانی فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.